हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर प्रायोगिक ज्यामिति से प्रश्नावली 4.1 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए, यानी कि चतुर्भुजों का आपको कंस्ट्रक्शन बनाना है। ओके, तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक का एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चतुर्भुज जो कि ए बी सी डी है, जिसमें कि ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और लास्ट में दिया हुआ है ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपका चतुर्भुज का भुजा और विकर्ण दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि हमारा चतुर्भुज किस प्रकार बन रहा है। तो आइए सबसे पहले हम रफ में क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज मतलब है जिसका चार भुजा हो, है ना। चतुर्भुज मतलब चार भुजों से घिरा आकृति चतुर्भुज कहलाता है। ओके, तो ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं। आप चाहो तो जो कॉपी में आप सोल्व कर रहे हो वहीं पर आप कॉर्नर में दिखा सकते हो, ठीक है, कहीं भी दिखा सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक चतुर्भुज बनाया। ओके, चतुर्भुज का नाम क्या है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। नेमिंग आपको क्या करना है, किसी कॉर्नर से स्टार्ट करना है तो लगातार इस तरह क्लॉक वाइज आपको आपको क्या करना है, नेमिंग कर लेना है, ठीक है। ये नेमिंग आपने कर लिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए मान क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, यानी ए बी ये रहा आपका, ये कितना दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर। ओके, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके, अच्छा बी सी यानी कि ये वाला जो भुजा दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। ओके, सभी का सभी जो लेंथ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सी डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा ए डी बराबर कितना दिया हुआ है, ए डी बराबर यानी ये वाला जो है साइड जो है दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे ए सी यानी कि ए सी मतलब ये आपका जो ए सी है ये आपका क्या है, चतुर्भुज का विकर्ण है। ओके, ये चतुर्भुज का क्या है जी, विकर्ण है। तो ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और ये क्या है हमारा, विकर्ण है। चतुर्भुज का क्या है, ये विकर्ण है। ओके, विकर्ण है। ओके, डायगोनल है। अब देखिए फिगर आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है, स्टार्ट आपको करना है इसी विकर्ण से, जो विकर्ण का लेंथ दिया हुआ है वही पहले आपको विकर्ण बनाना है। तो विकर्ण का लेंथ कितना दिया हुआ है, विकर्ण का लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर क्या करते हैं, अपने स्केल से मेजर कर लेते हैं, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, ये जो लेंथ है 7 सेंटीमीटर का है। ओके, ये मेरा विकर्ण हो गया। ओके, जो कि कितना लेंथ है जी, 7 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा ये जो विकर्ण है, देखिए विकर्ण क्या है, ए और सी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए सी। नेमिंग करते जाइए ताकि आसानी हो समझने में। ओके, अब यहाँ देखिए ए से कौन सा साइड मिल रहा है, ए से डी साइड मिल रहा है हमारा, ए डी है ना। तो ए डी का लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अपने कंपास से 6 सेंटीमीटर क्या करेंगे, यहाँ पे मेजर कर लेंगे, माप लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हुआ। ओके, यहाँ से यहाँ तक अपने मेजर किया 6 सेंटीमीटर। ये देखिए 6 सेंटीमीटर हमारा मेजर हो चुका है, माप लिए हम लोग। ओके, अब क्या करेंगे, ए से देखिए ए से डी 6 सेंटीमीटर है, यानी ए से हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क जो है इस साइड आपको ले लेना है, ठीक है। एक आर्क मैंने इस तरह ले लिया। ओके, ओके ये आपने ले लिया ए डी, ए डी जिसका लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर था। ओके, अब देखिए सी से, देखिए अब देखिए यहाँ से सी से डी, सी से डी है आपका कितना, 4 सेंटीमीटर। ओके, सी से डी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर क्या करना है, मेजर कर लेना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, स्केल से 4 सेंटीमीटर हम लोग क्या करते हैं जी, मेजर कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 4 सेंटीमीटर मेजर किया। ओके, और सी पॉइंट पे रख करके एक आर्क इस तरह चला लेना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो मैंने 6 सेंटीमीटर का जो आर्क लिया था वो प्रतिच्छेद जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसे मैं क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा, ठीक है। इस तरह मैंने बढ़ा दिया तो इंटरसेक्ट हो गया। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट हमें मिल चुका है, प्रतिच्छेद बिंदु मिल चुका है। ओके, अब हम इससे क्या करेंगे, ए से और सी से इस बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। ओके, तो आइए हम इसे मिला देते हैं, ये यहाँ से यहाँ मिल गया और ये यहाँ से यहाँ मिल गया। ओके, अच्छा इस बिंदु का क्या नाम था, देखिए ए से क्या मिल रहा है, देखिए ए से डी मिल रहा है और सी से डी मिल रहा है, यानी कि ये डी हमारा पॉइंट है, क्या पॉइंट है, डी पॉइंट है। ओके, अब यहाँ देखिए ए से क्या क्या मिल रहा है जी,
ए से हमारा देखिए ए से बी जिसका लेंथ कितना है 4.5, तो ए से डी जिसका लेंथ कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4 यहाँ तक हो गया और यहाँ तक 5 mm, ओके। तो 4.5 mm क्या कर ए 5 सेंटीमीटर क्या करते हैं यहाँ से मेजर कर लेते हैं, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया मेजर कर लिया, ओके। ये देखिए 4.5 सेंटीमीटर मेजर हो गया। अब क्या करेंगे, ए पे रखेंगे चाप की नोक को, ओके, कंपास की नोक को, और इस तरह आर्क ले लेंगे, ठीक है। ये मैंने आर्क बना लिया जो कि लेंथ कितना था 4.5, है ना। अब देखिए यहाँ पे सी से बी आपका कितना है 5.5 सेंटीमीटर। सी से बी क्या है, सी से बी 5.5, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5.5 mm सेंटीमीटर का क्या करेंगे एक आर्क यहाँ पर भी क्या करेंगे सी से लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 5.5 मेजर किया और सी से क्या करेंगे एक आर्क और लगा लेंगे, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर भी क्या मिला, इंटरसेक्ट पॉइंट मिला, तो इससे भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसे मिला देंगे, ठीक है। तो आइए इसे हम लोग मिला देते हैं, तो ये भी हमारा क्या है मिल चुका है। अब ये देखिए चारों साइड से ये घिर चुका है, यानी ये हमारा चतुर्भुज बन चुका है, ओके। अब ये आपका जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पे आपका माप दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा बन चुका है। अब क्या क्या कितना लेंथ था वो लिख दो। देखो ए डी कितना था, ए डी 6 सेंटीमीटर, यानी ए डी ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर आपने लिया था, ओके। अब देखिए डी सी कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी डी सी ये जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है, ओके। अच्छा ये क्या था हमारा ए से बी यानी ये जो यहाँ पे पॉइंट जो मिला है ये हमें कौन सा मिला था, बी मिला था, ओके। तो ए से बी कितना था, देखिए ए से बी 4.5 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये लेंथ ए से बी क्या है 4.5 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा बी से सी कितना है, देखिए तो बी से सी 5.5 सेंटीमीटर, यानी बी से सी क्या है 5.5 सेंटीमीटर। जो लेंथ लेकर के मैंने हम लोगों ने जो चाप लगाया था वही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपका काम लगभग में कंप्लीट हो चुका है, ओके। अब आपने क्या क्या काम किया, क्या क्या तकनीक आपने अपनाया, ओके, यानी कौन सा कंस्ट्रक्शन रचना आपने किया वो आपको लिखना है, ओके। वैसे यहाँ तक भी आप लिख लोगे तो नंबर आपका ये 5 नंबर का रहेगा, तो 4 नंबर 3 नंबर आपको मिल जाएगा, बट रचना भी लिख लोगे कि आपने क्या क्या यूज कैसे कैसे अपने स्टेप अपनाए हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे रचना की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या किए, सबसे पहले हम लोगों ने किया क्या, एक बिकर ने लिया जिसका लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर, पहला काम किया। फिर दूसरा काम क्या किया, ए से डी 6 सेंटीमीटर एक चाप मैंने यहाँ पर खींचा। फिर सी से डी कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर चाप खींचा। इस प्रकार ए और यहाँ पे देखिए डी पॉइंट से ए डी और सी डी को मिलाया, प्रतिच्छेद बिंदु मिला था, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु मिला था डी मिला था, तो डी पॉइंट से ए डी और सी डी को मिलाया, यही सब लिखना है, ओके। तो यहाँ पे हम सारा लिख लेते हैं, ओके, उससे क्या है टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख करके मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख लिया है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, ए सी एक बिकर ने खींचा। फिर सेकंड में हम लोगों ने क्या किया था, ए से डी 6 सेंटीमीटर का हम लोगों ने क्या किया था, ए से डी 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, चाप लगाया, ओके, ये काम किया था। फिर हम लोगों ने सी से डी 4 सेंटीमीटर यहाँ से क्या किया, एक फिर चाप लगाया जो कि जिससे हमें प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्ट पॉइंट मिला डी, जिसका नाम क्या था, डी था, ओके। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सी से डी देखिए सी से डी 4 सेंटीमीटर ये तो हो गया, ओके। अब देखिए ए से डी, देखिए ए से डी और सी से डी, ए से डी और सी से डी ये जो है इसको मैंने क्या किया मिला दिया, ओके, मिलाया। फिर अब नीचे का काम करते हैं, नीचे हम लोगों ने क्या किया, ए से बी 4.5 सेंटीमीटर का चाप खींचा। इस प्रकार मैंने क्या किया था, 4.5 सेंटीमीटर का क्या किया, चाप खींचा, ओके। फिर मैंने क्या किया, सी से बी 5.5 सेंटीमीटर का चाप खींचा, ओके। इसके बाद ए से बी और सी से बी को मिलाया, तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज तैयार हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपको रचना में ये सारे आपको टर्म जो है लिख लेने हैं, ओके। इससे ज़्यादा भी आप बेहतर से लिख सकते हो तो लिखो, या फिर इससे कम भी लिखोगे तो चलेगा, ओके। बट कोशिश करो कि जितना आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो आप कर लो, ठीक है। रचना में पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इसे हम चाहें तो 10 स्टेप में इससे बड़ा बड़ा स्टेप भी लिख सकते थे, बट जितना शॉर्टकट में आपको समझाएं उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने सोचा आपको कि शॉर्टकट में ही आपको मैं बता देता हूँ कि इस टाइप को आप लिख सकते हो, ठीक है। अरे क्लियर है यार, जो काम आपने किया वो लिखो, ठीक है। अपने लोग आप किताबी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ओके। यानी कि क्या क्या किया, एक बिकर ने लिया,
फिर ए से डी एक चाप लिया, फिर सी से डी एक चाप लिया, फिर डी पॉइंट जो आपको चाप लेने पर जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिला डी पॉइंट ए से डी और सी डी को मिलाया। ओके फिर वही काम नीचे किया आपने, इस प्रकार क्या हुआ आपका चतुर्भुज बन गया। ठीक है।